नमस्कार, हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मैं एक केस आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। अब देखेंगे कि इसके अंदर हमको एस मिलता है या नहीं मिलता। ये केस है एक 25 साल के लड़के का, जिसे फीवर था पिछले 5 दिनों से जब वो हमारे पास आया। टेलर का काम करते हैं और फीवर इनको पिछले 5 दिनों से है, और जब भी फीवर आता है तो उनको जो गर्मी होती है शरीर की, जो हीट होता है, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फीवर आता कैसे था उनको? तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि सर मुझे ठंडी लगती है, उसके बाद सर बहुत गर्म 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 फील होने लगता है, और फिर लास्ट में मुझे पसीना आ जाता है, बहुत पसीना आ जाता है। मैंने थोड़ी सी और जानकारी लेने के लिए उनसे पूछा कि अच्छा और क्या क्या होता है इनके साथ। मैंने उनके उनसे उनके डिटेल्स के बारे में पूछा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपके शरीर में जब से ये फीवर आया है। मेरा मेरा इंटेंशन था कि मैं उनका अडेप्टेशन जान सकूं, क्या क्या हो रहा है उनके साथ। तो उन्होंने मुझे बताया, सर जब से फीवर है तब से मेरा थर्स्ट कुछ बढ़ गया है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा और क्या क्या हो रहा है फीवर के दौरान? तो उसने बताया, सर मुझे सिर दर्द बहुत तेज हो रहा है, जब भी फीवर आता है मेरा सिर दर्द होता है, और सर वो ऐसे टप 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 टपकता रहता है। सर सर जब फीवर आता है तो मैं बहुत ही सुस्त हो जाता हूँ, बहुत थकान लगती है, और मुंह में एक कड़वाहट सा टेस्ट आ जाता है। मैंने कहा अच्छा और क्या क्या होता है? उसने कहा सर बस इतना ही। मैंने थोड़ा सा और पूछा कि अच्छा आप क्या करते हो जब फीवर होता है, तब आपकी आप उस समय कैसे होते हो? तो उसने कहा, सर मुझे किसी से बात करने का मन नहीं होता, मैं तो बस शांत रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बस शांत रहूँ, मैं किसी से बात ना करूँ और अकेला रहूँ। मैंने कहा अच्छा और क्या क्या हो रहा है? उन्होंने कहा सर बस इतना ही। अब मैंने उनसे ये पूछा कि ये अगर 5 दिन तक आप ठीक थे तो 5 दिन पहले ऐसा क्या हुआ था जब से आपको फीवर आ गया? क्या क्या कारण था कि आपको फीवर आया? तो उसने बताया कि सर हम लोग एक वाटरफॉल में गए थे, वहाँ वाटरफॉल में हमने खूब मस्ती की, हम पिकनिक पे गए थे कुछ फ्रेंड्स, और वहाँ से आने के बाद थकान जैसी लगी और नेक्स्ट डे से हल्का हल्का फीवर आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास कॉज भी मिल गया, हमारे पास उसका अडेप्टेशन भी मिल गया। अब इसके अंदर अगर हम रूब्रिक्स के अंदर ढूंढने जाएं तो हमको रूब्रिक्स क्या क्या मिल रहे हैं? सबसे पहले तो वो अकेला रहना चाहता है, तो इसके लिए रूब्रिक है कंपनी एवर्जन टू डिज़ायर्स फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, अकेलापन, एकाकीपन, एक ऐसी प्लेस में रहना जहाँ कोई आए जाए नहीं। तो इस रूब्रिक का क्या मतलब हो जाएगा? लोगों के साथ नहीं रहना चाह रहा है और एकांत की इच्छा है, डिज़ायर्स फॉर सॉलिट्यूड। नेक्स्ट क्या था? वो किसी से बातचीत करना नहीं चाह रहा था, शांत रहना चाह रहा था, तो उसके लिए रूब्रिक है टॉक इन डिस्पोज टू। लेकिन अगर आप वहां जाएंगे तो आपको एक दूसरा क्रॉस रेफरेंस मिलेगा, टैसिटर्न। तो यहां पर रूब्रिक होगा टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब होता है जो किसी से बात करने की इच्छा नहीं रखता हो, जो शांत रहना चाहता हो, जिसको बातचीत से परहेज हो उस समय। टैसिटर्न का मतलब होता है जो चुप रहना चाहता हो, खामोश रहना चाहता हो, मौन रहना चाहता हो।
नेक्स्ट रूब्रिक हमको क्या मिला, उसने बताया कि सर मेरा सिर दर्द बहुत होता है जब फीवर होता है उस समय। तो रूब्रिक है हेड पल्सेटिंग हीट ड्यूरिंग, हेड पल्सेटिंग हीट ड्यूरिंग मतलब सिर के अंदर पल्सेट होता है, थ्रॉब होता है या टपकता है कब, हीट के दौरान। नेक्स्ट उसने हमको ये भी बताया कि ये सिरदर्द शुरू कैसे हुआ था, सिरदर्द कैसे शुरू हुआ था, वो वाटरफॉल के अंदर नहाने के बाद इनका सिरदर्द हल्का हल्का शुरू हुआ, इनका फीवर वाला एपिसोड शुरू हुआ हल्का हल्का। तो रूब्रिक है हेड पेन वेट गेटिंग फ्रॉम। एक रूब्रिक और इसने बहुत अच्छा शुरुआत में ही उसने बताया कि सर पहले ठंडी आती है, फिर गरम गरम लगता है और अंत में पसीना आ जाता है। उसके लिए रूब्रिक है फीवर सक्सेशन ऑफ स्टेजेस, चिल फॉलोड बाय हीट देन परस्पिरेशन विद थर्स्ट। आपने देखा उसने बताया था कि सर जब से फीवर है तब से मेरा थर्स्ट थोड़ा सा बढ़ गया है। तो फीवर सक्सेशन ऑफ स्टेजेस, चिल फॉलोड बाय हीट देन परस्पिरेशन विद थर्स्ट, यानी ये स्टेज फीवर का जो स्टेज है वो कैसे आ रहा है, पहले चिल आया उसके बाद हीट आया उसके बाद परस्पिरेशन आया और थर्स्ट भी है साथ में। एक और रूब्रिक हमको क्या मिलता है इसके अंदर, जो इसका कॉज है, कॉज क्या था, वाटरफॉल के अंदर भीगना, वाटरफॉल के अंदर नहाना, वाटरफॉल के अंदर मस्ती करना जिसमें वो पूरी तरह से पानी से भीगे, गीले हो गए और उसके बाद उनको तकलीफ शुरू हुई। तो उसके लिए रूब्रिक है जनरलिटी सेक्शन के अंदर जनरल्स वेट गेटिंग, है ना, जनरल्स वेट गेटिंग। अगर इन सबको कंपाइल किया जाए तो एक रेमेडी आती है बहुत प्यारी सी, रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। मुझे पता है कि बहुतों के दिमाग में ये रेमेडी आ गई होगी ये कॉज सुनने के बाद, लेकिन यहाँ मैं ये केस बताने का मेरा मकसद ये था कि कॉज सिर्फ और सिर्फ माइंड में ही नहीं मिलेगा, कॉज आपको बाहर भी मिल सकता है। आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि कॉज या तो केमिकल फैक्टर से हो सकता है या कोई फिजिकल फैक्टर हो सकता है या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है या कोई इमोशनल प्लेन पर कोई फैक्टर हो सकता है। कोई भी ऐसा फैक्टर जो हमारे रूटीन को डिस्टर्ब कर दे वो कॉज हो सकता है, कोई भी ऐसा एक फैक्टर जो हमें अंदर तक हिला दे वो हो सकता है। तो इस पेशेंट को रस्टॉक्स मिला था और सिंगल डोज से इसका पूरा का पूरा एपिसोड चला गया। वो उस रस्टॉक्स के डोज के बाद उनको दोबारा फीवर कभी नहीं आया। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमको उसका एडाप्टेशन भी मिला और हमको कॉज भी मिला। ये जो माइंड के जो सिम्टम्स हमने लिए हैं, कंपनी एवर्जन टू टैसिटर्न, ये उसका एडाप्टेशन है माइंड से। और जो ये दूसरा हमने लिया हेड पल्सेटिंग हीट ड्यूरिंग फीवर सक्सेशन ऑफ स्टेजेस, ये सब उसका फिजिकल्स में एडाप्टेशन है, उसकी बॉडी का एडाप्टेशन है। हेड पेन एक तरह का एडाप्टेशन है या हेड पेन एक तरह का एडाप्टेशन है कि वो क्यों हमारे पास आया। हेड पेन कैसे शुरू हुआ, वेट गेटिंग फ्रॉम से, और बाकी के सारे कंप्लेंट्स भी क्यों शुरू हुए, वेट गेटिंग के पास से वजह से। तो हमारे पास कॉज भी मिल गया, हमारे पास एग्जैक्ट कॉज है, हमारे पास उसका एडाप्टेशन भी है और इसके इसके बेसिस पर हमको मिला रस्टॉक्स। तो आपको हर केस के अंदर ए सी ई मिलेगा ही मिलेगा। सपोज अगर आपको कंसर्न नहीं मिलता तो भी आपको अडेप्टेशन मिलेगा, कॉज मिलेगा। सपोज आपको कॉज नहीं मिला, कॉज नहीं मिला ऐसा नहीं होता कि कॉज होता नहीं है, पर कई बार पेशेंट उसको वैल्यू नहीं देता और उसको उस चीज़ को वो आपको बता नहीं पाता, बताने में असमर्थ होता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता कि अच्छा इससे भी बीमारी हो सकती है। तो कई बार आपको कॉज नहीं मिल सकता या कॉज पेशेंट आपको बता नहीं पाएगा, लेकिन अगर कॉज नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हाथ बंद गए,
हमारे पास कंसर्न है, हमारे पास अडाप्टेशन है। अगर कंसर्न नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास हमारे हाथ बंध गए, हमारे पास अडाप्टेशन है, हमारे पास कॉज है। अगर ये दोनों भी नहीं मिला तो भी हमारे पास अडाप्टेशन है, और ये अडाप्टेशन आपको फिजिकल्स में भी नज़र आएगा, माइंड में भी नज़र आएगा। तो आप हर केस के अंदर अडाप्टेशन, कंसर्न और एग्जैक्ट कॉज देखिए। ए सी ई, ईयॉन का एस आपको कभी निराश नहीं करेगा। धन्यवाद।